फिरोजाबाद के टीवी वार्ड मैदान में बने अटल पार्क का नगर आयुक्त प्रेरणा शर्मा ने किया औचक निरीक्षण। इस कहा है जो कमी रह गई है उसको जल्द ही पूरा किया जाएगा। जनता से अपील की है बच्चों के साथ आकर पार्क का आनंद ले। उत्तर प्रदेश सरकार की शहर को बड़ी सौगात मिली है अटल पार्क। यह पार्क बनकर पूरी तरह से तैयार हो चुका है। जनता को पार्क को घुमाने के लिए खोल दिया गया है। रख रखाव और व्यवस्थाओं को जायजा लेने ने नगर आयुक्त प्रेरणा शर्मा ने गुरुवार को औचक निरीक्षण किया। इस दौरान बताया है यह पार्क शहर सबसे अच्छे पार्कों में। इस पार्क में बच्चों के खेलने के झूले और ओपन जिम की व्यवस्था की गई। कुछ कमी रह गई है जैसे कि टॉयलेट और बरसात से बचने के टिनसर, जो जल्द ही पूरा किया जाएगा। जनता से अपील की है नव निर्मित पार्क का आनंद ले। किस तरह निर्म किया या क्या है? जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा अमृत योजना के अंदर स्वीकृत अटल पार्क जो है वो तैयार हो गया है। इसका इनॉग्रेशन भी हो गया है। कुछ फाइनल इसमें टचिंग होनी है, जहाँ जहाँ पे सीटिंग हमारी फिक्स होनी है उसका डिसीजन लिया जा रहा है। और हम फिरोजाबाद की जनता से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि वो सभी लोग आएँ और अटल पार्क में घूमें, अपने बच्चों को भी लाएँ और यहाँ पे जो अमृत के अंदर मॉडर्न फैसिलिटीज़ शासन द्वारा प्रोवाइड की गई हैं, जैसे ओपन जिम और बच्चों के खेलने का एरिया, उन सब का वो फ़ायदा उठाए। कवर्ड एरिया के लिए भी कोई आदेश दिया था कवर्ड एरिया करने के लिए? हाँ, यहाँ पे जो अटल पार्क के हमें जो शासन से जो प्लान मिला था वो तो कंप्लीट हो चुका है। उसके अतिरिक्त जो जो यहाँ के लोकल रिक्वायरमेंट्स है, जैसे एक थोड़ा सा कवर्ड एरिया होना चाहिए जिसमें लोग बहुत धूप या बारिश के समय बैठ सके, उसके लिए एक्सचेंज निर्माण को निर्देशित किया गया है कि वो उसका डिज़ाइन जो है तैयार कर लें ताकि उसको भी फाइनल किया जाए। मैडम, इसका कोई टाइमिंग वगैरह, कोई इसकी पार्क की कोई टाइमिंग? टाइमिंग्स हम जल्द ही अटल पार्क के लिए सेट कर देंगे। इसके अतिरिक्त यहाँ पे पानी और टॉयलेट की व्यवस्था के बारे में विचार किया जाए। कुछ लोग आते हैं बाहर लेकर के आते हैं, फिर पार्किंग वगैरह की कोई? हाँ, जैसा कि आप जान रहे हैं कि अटल पार्क के बाहर वाली भी जो रोड है उस पे डामरीकरण और टाइलिंग हम लोग ले रहे हैं, उसी टाइलिंग में हमने पार्किंग का प्रोविजन किया। क्वालिटी किस तरीके से प्रयोग की गई है निर्माण सामग्री में, जो गुणवत्ता है? निर्माण सामग्री की जो क्वालिटी है, जो स्टैंडर्डाइज क्वालिटी है, उसी को हम मेंटेन कर रहे हैं और यहाँ पे बेस्ट क्वालिटी का हमने सभी चीजों का यूसेज किया है। अच्छा, जैसे राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश को कोरोना घोषित किया है तो क्या यहाँ पर भी मास्क वगैरह की कोई फर्क आने के लिए? हाँ जी, जो हमारी कोविड की गाइडलाइंस हैं उसका 100% अनुपालन किया जाए।